शुक्रिया अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आप सारे जानते हैं केंद्र सरकार वालों देश के वड्डे पूंजीपतियों के इशारे पर तीन काले खेती कानून लियाए गए ने, जिदे खिलाफ अठ महीनों तो लगातार किसान अपने परिवार के नाल छोटे छोटे बच्चों तो लैके बजुर्गों के नाल दिल्ली के बॉर्डर से बैठा है। इस दौरान किसानों ने एक डिग्री का सर्दी का टैंपरेचर भी वेख लिया, 50 डिग्री का गर्मी का टैंपरेचर भी वेख्या, बरसात में दो दो फुट पानी भी रहे हैं, तो हनेरी तूफान भी देख लिया। पर किसान जिन्हों केंद्र सरकार कहती तो है कि तीन तोहफे दिते ने, तोहफिया का नाम भी रखा जी फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ये ब्रैकेट्स लिखे प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। दूसरा बिल एग्रीमेंट ऑन प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, तीसरा बिल एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। केंद्र सरकार इनू तोहफा कहती है, पर दुनिया के इतिहास किसी सरकार वालों दिता गया लोगों एवं का तोहफा है जिदे खिलाफ लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, पिछले 6 महीने 8 महीने के दौरान किसान जो जमीन को अपनी माँ समझता है, तो किसान तुसी वेखोगे पंजाब खास तौर पर जमीन जो पिंड उहदा ना अपने ना दे अगे लगांदा, उहदे प्यार दा एक सबूत है। जमीन दे वास्ते किसान किसी भी हद तक जान नूं तैयार है, ते अज हालात है बन गए ने कि पिछले 8 महीने दौरान 600 तो वध किसान शहीद हो गए ने। अफसोस की गल है कि इत्थे केंद्र की सरकार, साडे प्रधानमंत्री साहब जो कि छोटे छोटे मसलियां ते ट्वीट कर देंदे ने, 600 किसान शहीद होने तो बाद एक शोक संवेदना के तौर पर एक भी ट्वीट तक नहीं प्रधानमंत्री साहब वालों किया गया, ये बहुत अफसोस की गल है। अध्यक्ष जी, किसान जदों खेती करता है तो अपने आप से बहुत पुन का काम करता है। अज मैं दसना चाहना अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार की जो नीतियाँ तीन कानून बन के आए हैं, ये पिछे मंशा यही है कि किसानों की जमीन खो के ते देश के वड्डे पूंजीपतियों के हाथ देती जाए। पर खुशनसीबी सी किसानों की देश दे कि किसानों के भी इदा के लीडर पैदा होए जिन्होंने इस बिलों के इन कानूनों के नुकसान एक एक घर में जाके एक एक किसान परिवार को समझाई, जिदे खिलाफ अज लगातार 8 महीने तो किसान डटे हुए ने। मैं बोलते बहुत अफसोस हो रहा अध्यक्ष जी कि लिख के इदा का सुसाइड नोट, अध्यक्ष जी मैं तुम्हें दिखा जा रहा, मैं चाहवागा मैं पढ़ा इन यह सुसाइड नोट। एक बहुत व्डे संत राम सिंह जी होए ने, उन्हों का है ये साफ तौर पर लिखे कुंडली बॉर्डर तो यह सुसाइड नोट जारी होया। किसानों का दुख वेख्या, अपने हक लैण लई सड़कां ते रुल रहे हन, बहुत दिल दुखिया है, किसानों नूं न्याय नहीं मिल रहा, जुलम है, जुलम करना भी पाप है, जुलम सहना भी पाप है। किसी ने किसानों के हक में कुछ किया, किसी ने किसानों के हक में कुछ किया, कई ने अपने सम्मान वापस किए, कई खिडारियों ने अपने पुरस्कार वापस किए। दास किसानों के हक में सरकारी जुलम के रोष में आत्मदाह करता है, ये जुलम के खिलाफ आवाज़ है, तो किरती किसान के हक में आवाज़ है। अध्यक्ष जी, एवें दे हादसे होने तो बाद केंद्र सरकार की नींद नहीं खुल रही। अध्यक्ष जी, एक किसी शायर ने लाइन लिखी है, अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। इस लाइन के आधार पर बिल ड्राफ्ट किए गए ने कि सारे किसानों तो उन्हों की जमीन खो के उन्होंने राशन की लाइन चलाता जाए, पर किसान समझदार निकले, एक एक कानून की खामियां लोगों को समझाइया, भावें यह दुहाइया दे रहे थे बड़े सिस्टम दिया साढ़े भाजपा के साथी, पर राज्यसभा में किस तरीके बिल पास होया, सारी दुनिया ने तो नंगा नाच देखा है। राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सकता सी, सिर्फ ध्वनि मत नाल घट नंबर होने के बावजूद उत्थे बिल पास किया। अज अफसोस हुंदा कि वह किसान जो पूरे देश का अन्नदाता है, उन्हूं आतंकवादी, गुंडा, वक्खवादी, तो हुण 4 दिन पहलां दी गल करिए तो नवी दिल्ली तो सांसद जो मीनाक्षी लेखी ने, उन्होंने मवाली तक किया, यह डिसाइड क्यों नहीं करते जो मवाली ने, तो 11 दौर की मीटिंगा कादे वास्ते कीतियां, इन्हां दे कृषि मंत्री वक्ख वक्ख मंत्रियों ने बैठ के उत्थे मीटिंगा कीतियां, तो मवाली नाल भी मीटिंग करता है, एक पासे गल नूं करो ना। अध्यक्ष जी, अज अंदर में मन बैठे ने, इन्हां दे मंत्री किसानों नूं अनऑफिशियली कहिंदे ने कि सिर्फ एक बंदे की आकड़ करके, सिर्फ एक बंदे की आकड़ करके यह सारा का सारा देश परेशान हो रहा है। अध्यक्ष जी, 600 बंदे शहीद होना कोई मामूली गल है? उत्थे एक दिन आके वेखण जिन्होंने मवाली कहिंदे ने, एक दिन मवालिया के नाल रह के वेख लैण, अगले दिन कानून चेंज हो जाएंगे। शर्म आती है अध्यक्ष जी, एवं सिस्टम से
शर्म आती है वो सरकार से जो अपने लोगों के बारे नहीं सोच सकती। लगातार संसद का सैशन चल रहा है, हर दिन डिस्कशन होती है, संसद में डिस्कशन नहीं हो पाती। बाहर किसानों ने अपनी संसद लाई हुई है, वक् वक् देश के इंटलैक्चुअल उत्थे दो दिन पहला मैं देख के बहुत खुशी हुई, देश की महिलावां ने पहली बार उत्थे संसद लाई। केंद्र सरकार वालों उन्होंने प्रोटेक्शन भी दिता जाता भी चलो तुम चलाओ, 200 बंदे की परमिशन दी अलाउ करो। पर अध्यक्ष जी जब तक यदा सिट्टा नहीं निकलता, मतलब कदों तक, अज देश का किसान परेशान है, अज देश का बेरोजगार नौजवान परेशान है, अज महंगाई नाल हिंदू मुसलमान सब परेशान है, यह सरकार कदों डिवेलपमेंट के मुद्दे पर गल करना शुरू करेगी। अध्यक्ष जी मैं बार बार यही बेनती करना चाह रहा कि केंद्र सरकार को इस सदन वालों ये अपील जानी चाहिए है, अपील जानी चाहिए है कि किसानों के इन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो बाद भी केंद्र सरकार इन्हां दी मंगां वल ध्यान नहीं दे रही। किसानों की मंगा नूं ते जो उत्थे मौतां होईयां ने उस हकीकत नूं समझदे होए यह सदन पुरजोर इस चीज़ की सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार किसान संगठन नाल गल करे ते गल करके इन्हां कानूनों नूं रद्द करे। बाकी जो हालात भाजपा की केंद्र सरकार ने देश के बनाते ने, दो लैणा करके अपनी गल करांगा खत्म, कि भगवान का सौदा करते हैं इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने। अध्यक्ष जी बहुत नुकसान हो गया देश का, बेनती करते हैं कि सदन इस प्रस्ताव की पुरजोर सिफारिश करके ते केंद्र सरकार नूं यह बिल निरस्त करन दी पुरजोर सिफारिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद।